मूवी ठीक है। एक और लोग का एक मूवी आया था पहले ही इसी टाइप का बाजी रहा, वो दैट इज़ लाइक वो बहुत अच्छा मूवी था। तो इसमें आपको ज़्यादा पसंद नहीं आया? मतलब उसके वो ज़्यादा अच्छा था, ये भी ठीक है। इसमें आपको क्या पसंद आया था? नहीं नहीं मतलब सही था, शाहिद कपूर का एक्टिंग अच्छा है, दीपिका पादुकोण तो ऑलवेज ब्यूटीफुल लग ही रही है, उतना मज़ा नहीं आया रणवीर सिंह का। नहीं मतलब ट्रेलर में ऑब्वियसली फील है, बट मूवी ठीक है। मेरे साथ हैं कुछ लोग जो अभी अभी पद्मावत देखकर थिएटर से निकले हैं, आइए जानते हैं उनसे कि कैसी लगी उनको फिल्म। तो मैम बताइए आप कैसी लगी आपको फिल्म? मूवी इज़ वेरी गुड, आई रियली लाइक्ड इट एंड इट्स अ बी फिटिंग रिप्लाई टू पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग आई फील। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक्टिंग किसकी ज़्यादा अच्छी लगी? मुझे रणवीर सिंह और दीपिका की। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स संजय लीला वंसाली फॉर मेकिंग एन एक्सलेंट फिल्म। एवरी फ्रेम इज रियली वर्थ कीपिंग इट लाइक यू नो, इट्स अ ब्रिलियंट मूवी। आई थिंक इट्स द ट्रूथ हैज बीन ब्रॉटेड आउट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी। क्या आपको ऐसा लगा जो बहुत ही कैची, उसके सॉन्ग्स, उसकी स्क्रीनिंग सब में क्या अच्छा लगा? एक्चुअली द ओवरऑल पिक्चर इज फैंटास्टिक एंड लिल बिट ऑफ मूवी आई मीन सॉन्ग्स वर मे बी लिल मूवी टाइप वन बट अदरवाइज दट हिस्टोरी आई मीन इज बीन ब्रॉट आउट वेरी क्लियरली। इट्स वेरी कुछ ऐसा दिखाया गया है जिसकी वजह से विरोध हो सके? बिल्कुल कुछ नहीं था। आई एम रियली सरप्राइज वाई पीपल आर एक्चुअली रिएक्टिंग टू इट। इट्स अ रियली ट्रूथ, आई हैव हर्ड द स्टोरी बट टुडे आई हैव सीन इट द वे इट हैज बीन पिक्चराइज्ड। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। ओके थैंक यू। ओके मैम बताइए कैसी लगी आपको? वेरी नाइस मूवी, आई रियली एंजॉयड इट। Yeah. और एक्टिंग किसकी ज़्यादा अच्छी लगी? दीपिका did a very good role. She's very nice, looking very nice and a good role she has played. रणबीर कपूर की एक्टिंग को काफ़ी सराहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? हाँ, ही हैज़ ऑल्सो played a very good part. Very nice, but I think Deepika was more good. Yeah. हेलो, हाय मैम, हाय। वाह सुपर्ब है। मैं करणी सेना को एक संदेश देना चाहती हूँ कि करणी सेना इतनी खूबसूरत पिक्चर को सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, बिकॉज द चीफ ऑफ करणी सेना वांट्स टू बिकम द लीडर एंड गेट इनटू द पॉलिटिक्स, ही मेड सच अ बैड थिंग, ही क्रश सो मेनी पीपल, इतना राइट्स किया क्यों? इट्स सच अ वंडरफुल फिल्म। इससे तो राजपूतों की इज्जत बढ़ी है, पद्मावती अमर हो गई पूरे वर्ल्ड में, कोई घूमर के बारे में जानता भी नहीं था। मैं राजस्थान से हूँ, मैं घूमर बचपन से सुनती आ रही हूँ, मैं पद्मिनी की कहानियाँ बचपन से सुनती आ रही हूँ। मेरा सपना था कि पद्मिनी की कहानी को कोई बनाए और उसे अमर कर दे। हेल संजय लीला भंसाली, आई एम थैंकफुल टू हिम कि आपने राजपूतों की आन बान शान और मर्यादा को मद्देनजर रखते हुए रानी पद्मिनी को, हमारी घूमर को पूरे विश्व में अमर कर दिया। थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगी, कैसी लगी आपको पद्मा? ठीक है, ठीक है, हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हम जानते हैं उनसे भी कि कैसी लगी उनको फिल्म। हम बेसिकली राजस्थान मेवाड़ से ही हैं, मारवाड़ से हैं, और ये पिक्चर इतनी अच्छी है जो संदेश दे रही है वो सभी को, इतनी वीरता का और हिम्मत का संदेश दे रही है। इसमें संजय लीला भंसाली ने बहुत अच्छा काम दिखाया है, मेवाड़ की संस्कृति को दिखाया है और पूरे विश्व को समझ में आ जाना चाहिए कि मेवाड़ की शान बान क्या होती है। तो मैम राजस्थान में इस फिल्म को बैन किया गया है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, ये बिल्कुल बैन करने लायक फिल्म नहीं है। इससे यहाँ जो मेवाड़ की और राजस्थान की संस्कृति है उसको पूरी दुनिया को समझना चाहिए और जो विरोध कर रहे हैं उन्हें भी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। मैम बताइए क्या कहेंगी आप पद्मावती के बारे में, कैसी लगी आपको फिल्म? इट्स अ वंडरफुल मूवी, मस्ट वॉच फॉर एवरीवन। इट रियली रिप्रेजेंट्स व्हाट राजपूत कम्युनिटी स्टैंड्स फॉर। इट स्टैंड्स फॉर करेज, वेलर एंड मॉरालिटी, एंड आई थिंक इट शुड बी डेफिनेटली रिलीज्ड इन राजस्थान बिकॉज इट विल बी अ प्राउड मोमेंट फॉर द होल स्टेट। इट शुड डेफिनेटली बी। तो ये सारा विवाद जो खड़ा हो रहा था, क्या लगता है ये फालतू का विवाद था, ये सब होने की ज़रूरत ही नहीं थी? ऑफ कोर्स बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, ऐसा कुछ भी मूवी में दिखाया नहीं है। बहुत ही अच्छे से मूवी बनाई गई है, एवरीथिंग इज़ वर्थ वॉचिंग। ओके थैंक यू। तो आपने देखा कि हमने कैसे पब्लिक को, जो लोग मूवी देखकर आए थे उनसे पूछा और सबका यही कहना है कि मूवी एक बेहतरीन मूवी है। कैमरामैन मोहसिन शेख के साथ सैयद चादमा, BNB न्यूज़, मुंबई।